जब वर्दी वाले ही अपनी वर्दी की मर्यादा भूल जाएं और शराब पीने से लोगों को रोकने की जगह खुद शराब के नशे में डूब जाएं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। जिन वर्दी वालों को शराब माफियाओं पर शिकंजा कसना चाहिए, वही उनके साथ शराब पी रहे हैं। और ताजुब की बात यह है कि प्रशासन भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये मामला डिंडौरी का है, जहां राज्य परिवहन बस स्टैंड के सामने खुलेआम अवैध शराब बेची जा रही है। शासन प्रशासन को इस मामले की जानकारी होने के बाद भी शराब माफियाओं पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब महिला थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक हेमलता सिंह और अजाक थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक चंद्र सिंह वर्दी में ही सार्वजनिक स्थल पर शराब पी रहे थे। जब इनकी हरकतें कैमरे में कैद होने लगी तो इनके होश उड़ गए और ये सवालों से भागते दिखे। अब देखना ये होगा कि शासन प्रशासन इन पर क्या एक्शन लेती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़, आपके हक में।